और पीपी 29 और एमक्यूएम 10, जेयूआई 4 इंडिपेंडेंट, वही 125 हम जिसकी पहले भी बात कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार ज्यादा हैं, जिनके जिनका ग्राफ जो है वो 125 पे चला गया। इसकी वजह ये है कि केपी से बहुत सारे इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं वो आगे हैं, फिर आप पंजाब के अंदर भी बहुत सारी जगहों पर आपने देखा, तो ये पंजाब और केपी की मिलाकर जो है वो कंस्टिट्यूएंसी जो है वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट यहाँ पर आगे लग रहे हैं। मुस्लिम लीग नून क्योंकि केपी में नहीं है तो जो है वो केपी के अंदर जो है वो उनकी जो है वो सिचुएशन हमारे सामने इस वक्त पंजाब का ग्राफ भी है और उसमें भी हम देखते हैं कि कौन सी पार्टी है जो इस वक्त हम देख सकते हैं कि लीड कर रही है। तो हमें पंजाब के ग्राफ में भी इस वक्त पीएमएलएन है जो कि लीड कम हो गई ना, जो आप इंडिपेंडेंट वैसे वहां पर देख रहे थे, यहां पर आपको ये मार्जिन कम नजर आ रहे हैं क्योंकि यहां पर नून लीग वर्सेज आजाद है। नून लीग की प्रेजेंस क्योंकि केपी के अंदर इतनी ज्यादा नहीं है, वहां पर बुनियादी मुकाबला जो है वो एएनपी जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान है। लेकिन ये 86 है पंजाब में आजाद भी, ये भी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इस बार रहमान साहब जैसे जैसे वो पंजाब से रिजल्ट्स ज्यादा थे, सिंध से जो है वो आपको थोड़े कम नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन जो है वो अच्छी लग रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंटीरियर के अंदर खास तौर पर जो हम रिजल्ट्स अभी देख रहे हैं वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी सॉलिड पोजीशन के अंदर है। तो आपके पास गालिबन 36 यहाँ पर अगर मैं जो वो सही तरह से 36 आपको जो है वो नजर आ रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी क्लियरली सिंध की जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ पर आगे नजर आ रही है। जीडीए 4 एमकेएम 3 सीटों पर की आप बात कर रहे थे, नारोवाल का हलका एहसन इकबाल का बड़ा ट्रेडिशनल हलका है, करतारपुर आपको पता है बड़ी मशहूर जगह है, वो यहाँ पर इनके हलके के अंदर जो है वो मौजूद है। इनके साहबजादे जो है वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अहमद इकबाल जो है वो भी रहे हैं और ये इस इलाके के अंदर अगर मुस्लिम लीग नून की सियासत है तो रहमान साहब एक और ट्रेन गुजर रही है लीड कर रहे हैं, 5,047 वोट उन्होंने लिए, या इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार हैं वो पीछे दिखाई दे रहे हैं 488 वोट उन्होंने लिए हैं और ये बहुत बड़ा फर्क है। ये इनकी जो है वो बड़ी पक्की सीट होती है यहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब जहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं और ये 10 पोलिंग स्टेशन हैं और ये 10 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है, लेकिन ये ब्रिंद साहब जो है वो अब लड़ तो रहे हैं इलेक्शन, लेकिन इस हल्के के अंदर जो हमारी असेसमेंट है उसमें हालात काफी जो है वो क्लियर है। बहरहाल अभी भी आप देखिए 10 पोलिंग स्टेशन है, आसिफ अली जरदारी की तकरीबन जो है वो काफी लीड है, यहाँ पे भी वही बात के पीपी वाला पीपी का गढ़ है और उस इस हिसाब से अच्छा बलून 117 आने का नतीजा लेके आपके सामने से उड़ रहे हैं, इस पर क्या कमेंट करेंगे? यहाँ पर भी आजाद उम्मीदवार जो लीड कर रहे हैं उनके वोट जो है वो 2,569 है। बिल्कुल, जो यहाँ पर आईपीपी उकाब इनका निशान है, ये लाहौर की वो सीट है जहाँ पर सीट एडजस्टमेंट हुई थी और बड़ी मुश्किल से हुई थी। अलीम खान क्योंकि ज़हरी बात है इन्होंने इमरान खान से अलहदगी इख्तियार की और उसके बाद इन्होंने जो ज़िमनी इंतखाब हुआ था वो तो नहीं लड़ा था, लेकिन इस मरतबा एन ए का जो इलेक्शन है वहाँ पर जो है वो ये इलेक्शन लड़े हैं। पिछला इलेक्शन इन्होंने अयाज सादिक साहब के ख़िलाफ़ लड़ा था, वो लाहौर का हलका था और ये वो लूज़ कर गए थे, तो अब इनकी पोजीशन जो है वो थोड़ी बेहतर लग रही है। एक और हलका है जिसका नतीजा इस वक्त हमारे सामने आया है, एनए 194 के हलका है जहां पर जी बिल्कुल पीपल्स पार्टी लीड कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो सरदारी यहां पर लीड कर रहे हैं और उनके मुकाबले में जेयूआई उम्मीदवार हैं और यहां पर भी हम देखते हैं कि पीपी जो है वो लीड कर रही है। राशिद सुमरो साहब ने पिछली दफा बड़ा अच्छा वोट लिया था, हालांकि उन्होंने ये इलेक्शन लड़ा था। बिलावल आपको याद होगा पिछली मरतबा इलेक्शन लियारी से हार गए थे, ये जो सुमरो साहब हैं इन्होंने 50,000 से ज़्यादा वोट लिया था और लाड़काना में जारी बात है ये इनकी घर की कंस्टिट्यूएंसी है, तो ये कंस्टिट्यूएंसी बड़ी मजबूत समझी जाती थी, लेकिन राशिद सुमरो साहब ने यहाँ पर एक अच्छी अपनी सियासत की है, जेयूआई को एस्टेब्लिश किया है, तो इंटीरियर सिंध के अंदर जहाँ पर आपको और जमातें जो है वो कम नजर आती हैं, जेयूआई ने यहाँ पर अपनी प्रेजेंस जो है वो रखी है। सियासत वाली जो हम बात करते हैं और कुछ ऐसे हल्के जहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है जी, यहाँ से कायद नून लीग ने वोट भी कास्ट किया है, उंदाब को जो है वो वोट डाला है रहमान साहब, ओम चौधरी जी 613 और अब देखते हैं कि इसमें तो सबका वोट बड़ा इंपॉर्टेंट वोट डाला है यहाँ पे, मियां नवाज शरीफ का वोट अब इनको पता नहीं जितवाता है या नहीं जितवाता, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट, ये एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा है, 433 पोलिंग स्टेशन, 432 पोलिंग स्टेशन के नतीजे अभी बाकी हैं, ये आपको एक पोलिंग स्टेशन पे ट्रेन आई है दोबारा, बिल्कुल ये आप एक पोलिंग स्टेशन में देखें जो वोटों की तादाद है
जो आप बाहर से और हल्कों से आ रहे हैं वहाँ पर आपको टर्नआउट का अंदाज़ा हो जाना चाहिए। सलमान अकरम राजा 756 और ओन चौधरी ने भी जो है वो यहाँ से 613 वोट लिए, तो एक पोलिंग स्टेशन में आप देखें 1300-1400 वोट पड़ा है, तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर टर्नआउट ज्यादा है। NA71 यहाँ पर रेहाना डार जो है वो लीड कर रही, इंडिपेंडेंट 8,445 उन्होंने वोट लिए, उनके मध्य मुकाबल ख्वाजा आसिफ हैं PMLN के जिन्होंने 3,047 वोट लिए। मैंने आपका प्रोग्राम देखा था, आप इस हलके में विजिट पे थे और आपने वहां पर अवामी राय भी जानी, तो बजाहिर कौन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है क्योंकि वोटिंग में अभी वक्त बाकी है, गैर हतमी गैर सरकारी? देखिए ये दोनों कैंडिडेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक तरफ रेहाना डार है जो बड़ी इमोशनल जज्बाती जो है वो कैंपेन उन्होंने चलाई, और दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ है जो कि यहाँ हल्के से 93 से कभी हारे नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने इस मरतबा मेहनत की है, उनके उन्होंने जलसे किए हैं गलियों बाजारों के अंदर जो है वो गए हैं, लेकिन रेहाना डार उस तरह से कैंपेन जो है वो नहीं कर पाई। रेहाना डार की जो बहू हैं जो उमर डार की बीवी हैं जो उस्मान डार के भाई हैं वो भी इसी पर सूबाई असम्बली की जो है वो कैंडिडेट हैं, तो ये एक तरफ ख्वाजा आसिफ हैं और दूसरी तरफ डार फैमिली है जिसमें उमर डार उस्मान डार और आमिर डार ये तीनों भाई हैं, ये मिलकर सियासत करते हैं, तो ये जो है वो इनका तीसरा एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन है। तो अब जो है वो रेहाना डार साहिबा जो है वो अभी तक, लेकिन ये भी कहा जा रहा था रहमान साहब की रेहाना डार साहिबा को जो है वो सिंपैथी वोट इन्होंने बहुत गेन की है, लेकिन कैसा है ये बड़े से ज्यादा जज्बात जो आप बात कर रहे हैं, बड़े जज्बाती गाने बनाए हैं और बड़ा वो अपनी जो कैंपेन की है, लेकिन बहरहाल इलेक्शन इलेक्शन है, बाहर उम्मीदवार अपनी कैंपेन जिस तरह से चलाना चाहता है वो चलाता है, लेकिन ख्वाजा आसिफ को ये ऐसा लगता है 30% आपके पास नतीजा आ चुका है जिसमें मियां नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने अपनी लीड बरकरार रखी हुई है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो एक ओवरऑल जहाँ पर आपको मुख्तलिफ जगहों से पोलिंग स्टेशन से नतीजे आ रहे हैं तो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून आपको थोड़ा आगे लग रही है। बिल्कुल, और ये एक बात भी हो रही थी कि यास्मीन राशिद साहिबा एक सिंपथी वोट है, उसको ज़रूर वो लेंगी, मतलब एक मार्जिन बड़ा कम होगा, लेकिन चूंकि ये जो इलाके हैं ख़ासतौर पर ये जो गवाल मंडी का इलाका और ये टोटल NA130 के जो मेजर एरियाज़ हैं जहाँ पर वाकई वो कहते हैं ना ईंट उठाएं और नून लीग का वोटर वहाँ पर मौजूद है, पुराना वोटर जो पहले भी ज़ाहिर है वो इनसार करता है नून लीग पर, तो अभी भी देखिए 8,909 है यास्मीन राशिद और ये 12,300 पे हैं, तो जाहिर है अभी 112 का नतीजा है, तो अभी भी हम कह नहीं सकते कि ये हतमी नतीजा है, इसमें यकीनन कोई शक नहीं, लेकिन मियां नवाज शरीफ क्योंकि जो है वो इलेक्शन पिछला नहीं लड़ सके थे, 2018 का इलेक्शन आपको याद होगा, वो वापस आए थे अदालत से पहले जो है वो सजा हो गई थी। और तो हल्का रहमान साहब NA148 मुल्तान का ये हल्का है जहाँ पर 4 पोलिंग स्टेशन का ये नतीजा जिसके मुताबिक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है आपके उम्मीदवार हैं, बड़े अच्छे वकील हैं तैमूर मलिक साहब, और उमेर आप मुझे ये कह के ना मुझे लगता है मुझ पे टैग लगा देंगे, जज्बात नजर आ जाते हैं बोलने से, आप लोगों के सामने ट्रेन आ गई, अनाउंस करती है नाज़रीन भी इस चीज को देखो, ये तैमूर मलिक साहब जो हैं ये बड़े अच्छे वकील हैं, शाह महमूद कुरैशी के ये वकील हैं और ये इलेक्शन इस बार लड़े हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं ये तरीके इंसाफ से इलेक्शन लड़े हैं, और इसी तरह ट्रेन और बलून के जरिए जिस तरह हमें नतीजे मौसूल हैं हम आप तक आगाह करें, आप तक